हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे HFCL के शेयर के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में और उसके फ्यूचर टारगेट क्या हो सकते हैं उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे चार्ट के माध्यम में। और जैसे कि दोस्तों न्यूज़ निकल के आ रही है कि बड़ी अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है, तो दोस्तों आप पूरा वीडियो देखिएगा, तब उसके माध्यम से हमारे जो टारगेट्स होंगे और क्या स्टॉप लॉस होगा वो पूरा हम लोग वीडियो के लास्ट में प्रिडिक्ट करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं HFCL के शेयर के लेटेस्ट न्यूज बारे में। HFCL शेयर के लेटेस्ट न्यूज ये है कि HFCL कंसोलिडेटेड नेट सेल्स इंक्रीज हुई है बाई 7.64% ईयर ऑन ईयर बेसिस इन सितंबर 2020। ये अभी कल की न्यूज है दोस्तों। और इसमें लगभग 1,000 करोड़ की सेल्स उन्होंने अब इंक्रीज करी है। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों कि ये सेल शेयर जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये सेक्टर काफ़ी इंक्रीजिंग है और काफ़ी फ्यूचर ग्रोथ है, क्योंकि HFCL जो है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाती हैं और जियो के साथ ये जुड़े हुए हैं। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा रिटर्न देंगे। HFCL का Q2 प्रॉफिट टम्बल्स हुआ है 22% ईयर ऑन ईयर बेसिस। प्रॉफिट इनका कम हो रहा है बट सेल्स इंक्रीज हुई है, तो ये एक न्यूज है, तो मिक्स न्यूज है। तीसरी चीज है जियो FTTH नेटवर्क डिप्लॉयड बाय HFCL अक्रॉस 300 सिटी। तो 300 सिटीज के अक्रॉस जो है HFCL जियो का जो फाइबर नेटवर्क ये हमें डिप्लॉय करेंगे। तो जियो के साथ जुड़े हैं तो डेफिनेटली इसका फ्यूचर जुड़ा हुआ है। और अभी 5G का स्कोप बहुत अच्छा और ऑप्टिकल फाइबर का बहुत अच्छा स्कोप है आने वाले दिनों में। HFCL का स्टॉक एनालिसिस करते हैं एक मंथ व्यू के लिए, कि अगर हमको एक मंथ का टारगेट लेना है तो क्या लें। RSI 50 इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कि ना ही ओवरबॉट मोड में है ना ही ओवरसोल्ड मोड में है। तो करंट लेवल पे इसको आप बाई कर सकते हैं या जिसके पास है वो होल्ड रखें। हमारे जो टारगेट होंगे, जो स्टॉप लॉस देखिए, तो स्टॉप लॉस आपको लगाना है ₹15.50 का बॉलिंगर बैंड सजेस्ट कर रहा है और ₹17.40 का अपर बैंड सेट कर रहा है। तो अगर हम ₹17.50 का टारगेट रख लें और स्टॉप लॉस ₹15.50 का, तो एक मंथ में लगभग 7 से 8% के रिटर्न यहाँ से देखने को मिल सकते हैं HFCL के। HFCL शेयर की एनालिसिस और निफ्टी डेटा। निफ्टी डेटा ये कहता है कि कोरोना वायरस टाइम पे 52 वीक का लो ₹8.10 बनाया और 52 वीक का हाई जो है ₹20.50 बनाया। तो दोस्तों इस शेयर में काफ़ी पोटेंशियल है। और ये अगर आपको याद होगा तो 2 साल पहले ये शेयर ₹40 के आसपास चलता था, वहाँ से इसने करेक्शन दिखाना शुरू किया है। अब चूंकि जो है ऑप्टिकल फाइबर का जो फ्यूचर यहाँ पे बहुत ब्राइट लग रहा है, तो जिसकी वजह से ये शेयर लगातार ये अप होता जा रहा है और लगभग डबल से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुका है विद इन 6 मंथ। लेकिन अभी इसमें और पोटेंशियल, अगर आप 52 आप देखें 5 साल के हाई का, तो ₹40 से भी अभी करीब जो है कह सकते हैं कि 50% से डाउन ही है। तो वहाँ से अगर आप देखें तो इसी वजह है कि डिलीवरी परसेंटेज आप देखें तो 65% की डिलीवरी परसेंटेज है, जो कि वेरी गुड है। रिस्क रेशियो भी वेरिएबल मार्जिन की वजह से 40%, जो कि अच्छा है। ट्रेडेड वॉल्यूम भी अच्छे हैं, तो सब कुछ अच्छा है। बट ये है कि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी निफ्टी में अचानक कोई न्यूज आती है और इसकी वजह से ग्लोबल संकेत या किसी की वजह से भी शेयर डाउन हो जाते हैं। तो आप हमेशा स्टॉप लॉस जरूर रखिए। तो स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, वो होगा ₹15.50 एक मंथ के लिए। और HFCL का जो टारगेट होगा ₹17.50 का, लगभग 8% रिटर्न के साथ। तो दोस्तों ये थी हमारी HFCL की शेयर एनालिसिस। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। थैंक यू दोस्तों।